जीवंत जिंदा पीर है, कोई जीवंत महापुरुष होगा, फिर सबके सब चरणों में माफी मांगे। लेकिन माफी तो मांगे, लेकिन जो भगवान है ना, इनको माफ नहीं किया। जिन लोगों ने मारे थे सबके सब, उनका शरीर में कूड हो गया, किसकी नाक गल गई, किसकी गला गल गया, किसका हाथ गल गया। क्योंकि संतों को भगवान, भगवान कहते हैं मेरा हाथ अगर कभी संतों का विरोध में जाएगा तो मैं अपना हाथ कभी काट डालूंगा। बोले संत मेरे इतने प्रिय है। हाँ, यहाँ पर शिक्षा देते हैं। देखो जब आप भजन करने के लिए जाओ ना, कभी कभी जीवन में ये तृणा बरताता है, कभी कभी थोड़ी समय के लिए ये विपत्ति आती है। जैसे मीरा को आए, इनके आए, जैसे प्रहलाद महाराज का जीवन में आए, पिताजी मारने के लिए कोशिश की। यहाँ शिक्षा देते हैं, खबरदार थोड़ी मोड़ी विपद आए ना, ऐसे नहीं भजन भजन जरूरत नहीं, माला फला छोड़ छाड़ दो, नहीं, दुनिया छूट जाए लेकिन भगवान की भक्ति हमसे नहीं छूटनी चाहिए, माला हमसे नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि एक दिन ये दुनिया छूटेगा ही, लेकिन काम में आएगा तो प्रभु की भक्ति ही काम में आएगा। इसलिए जिन जिनियों को भक्ति जगत में जितनी विपत्ति पड़ी है, देखना उनका नाम उतना हो रहा है। मीरा का नाम देखो, हरिदास ठाकुर का नाम देखो, प्रहलाद का नाम देखो, सारा दुनिया जिनकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमारे टीकाकार शिक्षा देते हैं, जीवन में तृणा व्रत आने पर भी, लेकिन प्रभु का भजन कभी मत छोड़ा करो, भगवान की भक्ति कंटिन्यू, भगवान की भक्ति करते रहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। अभी कृष्ण धीरे 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 कृष्ण और थोड़ी सी बड़े हुए। एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को स्तनपान करा रही थी। आज कृष्ण इतने स्तनपान कर रहे थे, हर माताओं को पता रहता है मेरा बेटा कितने दूध पीने से इसका पेट भर जाए, लेकिन आज कृष्ण इतने दूध पान कर रहे थे, मैया जसोदा तो डर गई, हो ना हो इसका पेट पतला नहीं हो जाए। इतने में कृष्णा छोटी सी मुंह में जंभाई लिए, छोटी जब जंभाई लिए, इतने में मैया जसोदा इतना छोटी मुंह में विश्व ब्रह्मांड को दर्शन की, देख करके मैया तो डर गई, हे भगवान मैं क्या हलाई बलाई देख रही हूँ। उन्होंने आंख बंद कर दिए। फिर जब आंख खोलते हैं ना, कहते वही छोटा सा मुंह है। बोले यहाँ विश्वरूप क्यों दिखाए, कृष्ण दो बार विराट रूप दिखाए, इसलिए यहाँ पर विश्वरूप दिखाए। पुतना कभी आ गई, भोले बाबा आ गए, सकटासुर आ गया, त्रिनाभर्त आ गया। अभी मैया बहुत डरी हुई थी, ये सब दैत्य लोग मेरे लाला को पीछे क्यों हाथ धो करके पड़ गए, मेरे लाला तो किसका कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। इसलिए कृष्ण अपना मुंह खोल करके दिखाए। बोले मैया मेरे को तो साधारण बालक समझ रहे हो, मैं साधारण बालक नहीं, तो देख ले मैं कौन हूँ, ये जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड ये सब के सब मेरे पेट के अंदर में, और तू समझ रही हो तेरे दूध को मैं अकेला पी रहा हूं, नहीं मैया तेरे दूध से तो विश्व ब्रह्मांड पल रहे हैं, तेरे को विश्वास नहीं, देख तेरे दूध को मैं अकेला नहीं पी रहा था, ये विश्व ब्रह्मांड तेरे दूध को पी रहे थे। कृष्ण और थोड़ी सी बड़े हुए। एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। ताऊ भैया को बोले तुम दोनों बालक खेलते रहो, मैं घर का काम काज कर रही हूँ। कृष्ण देखा जब जब हमारे ऊपर में कोई विपत्ति आ जाती है, मैया हमको गोबर और गोमूत्र से स्नान कराती है। बोले क्यों ये गोबर गोमूत्र से स्नान कराते, उसमें है क्या जी, और ये गैया की खूर से धूल लेकर के ना हमको टीका लगाती है। कृष्ण बलराम सोचा आज चलो हम जा करके स्वयं ये गोबर और गोमूत्र से हमारा स्नान करेंगे। कृष्ण बलराम गए, वहाँ पर गैया बंधे हुए थे, जा करके जितने गोबर और गोमूत्र और कीचड़ था ना, सबको सब लेकर के सारा शरीर को पोत दिए। और कृष्ण बलराम वहाँ बैठे हुए, मैया देखा ये दोनों बालक गए कहाँ, मैया जोर जोर से बुलाए, बोले कनुआ बलुआ तुम दोनों कहाँ हो। बोले मैया हम यहाँ। बोले वहां क्या कर रहे हो, जा करके देखा जितने गोबर और कीचड़ से पूरा के पूरा सने हुए। बोले अभी अभी तुम दोनों को स्नान कराया, अभी अभी श्रृंगार किया और मिनट में सब बिगाड़ दिया, दोनों कानों को ऐसे पकड़ लिए। बोले क्यों रे,
चोर चोटे लगता है पूर्व जन्म में क्या सुअर थे, ये सुअर ही ये कीचड़ में लोट बोट कौन खाते हैं, सुअर खाते हैं क्या, तुम दोनों पूर्व जन्म में सुअर थे। इतने में कृष्णा अपने सर पे से हिला रहे, बोले मैया में तो सुअर था लेकिन तेरे को कैसे पता चल गया, क्योंकि भगवान ने सत्ययुग में बराह अवतार लिया था, ये बराह अवतार सुअर का अवतार है। पिछले फिर मैया ला करके दोनों बालों को स्नान कराया, श्रृंगार कराया। आज कृष्ण शिक्षा दे रहे थे, भैया ये गोबर और गौमूत्र ना ये साधारण वस्तु नहीं है, अभी साइंटिस्ट लोग इसको रिसर्च करके ऐसे कोई मेडिसिन नहीं, ऐसे कोई बीमारी नहीं जो देसी गैया की दूध से और देसी गैया की गोबर से और गौमूत्र से सही नहीं होता है। इसलिए कि माता जी भी वहाँ पर हाँ वो बेच रही है गैया, देसी गैया की सब चीज, देसी गैया में तरह तरह के मेडिसिन वहाँ भी बेच रही है। इसलिए कृष्ण गौमूत्र की आज भगवान गोबर के भगवान महत्व सिखा दिया है। कृष्ण जब और थोड़ी थोड़ी कृष्ण बड़े हुए, अभी जिसका मुंह में जैसे आए कृष्ण को वैसे बुलाए, जैसे बच्चा होते हैं ना जिस नाम से उसी नाम से बुलाते रहते हैं। अभी नंद बाबा सोच रहे हैं लाला का कोई एक नाम हो जाए तो उसी नाम से हम बुलाया करेंगे, लेकिन एक दिक्कत है, नंद बाबा सोच रहे हैं ये लाला तो मेरो है, लेकिन वसुदेव क्या सोच रहे हैं, बोले ये लाला मेरो है लेकिन ये दोनों का ही लाला है। अभी एक दिन वसुदेव महाराज गर्गाचार्य को बुला करके बोले, बोले गर्गाचार्य जी आप थोड़ा गोकुल में जा करके मेरे बेटा का नामकरण करके आओ, क्योंकि पहले जब नामकरण करते थे ऐसे नहीं नाम कर लेते थे, ज्योतिष को बुला करके उसका जन्म नक्षत्र को देखते थे, फिर उसको पिताजी पिताजी का नाम को रखते हुए, हम पहले सुन रहे थे ना जब कोई पहले नाम रखते थे ऐसे नाम नहीं, जो एक नाम से उसका पिता और उसका पिता दोनों का नाम आए ऐसे नाम रखते थे। वसुदेव महाराज देखा अगर नंद बाबा बच्चा का नाम अगर नामकरण करते हैं अपना कुल रीति रिवाज से अपना नामकरण करेंगे, लेकिन लाला तब मेरो है, बोले गर्गाचार्य जी आप तो त्रिकाल दृष्टा आप तो सब जानते हो ये लाला मेरो है, मैंने ये लाला को रात रात में लेकर के रख करके वहां से मैंने ये बेटी को ले आया था, आप जाओ ऐसे बच्चा का एक नाम रखना जिस नाम में मेरा नाम भी आनी चाहिए। बोले ठीक है। तब श्री गर्गाचार्य जी श्री नंद भवन में आए और श्री नंद बाबा जब देखा मेरे घर में श्री गर्गाचार्य जी आए, बोले अहो भाग्य है आज मेरे घर में संतों का चरण धुल पड़ा। उन्होंने गर्गाचार्य का चरण धोए, चरणामृत लिया और श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, बोले महत विचलनाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निस्रसाय भगवत अन्यथा कल्पति कोची। बोले घर में ये साधु लोग क्यों आते हैं, इसका कारण क्या? बोले कारण यही है हम लोग मातृगर्भ में भगवान से हम कसम खा करके आए थे, आप जो हमें ये मानव शरीर दे रहे हो हम भगवान की भजन करेंगे, लेकिन आ करके हमने भगवान का भजन को हम लोग ने भूल गए और इसी जगत में संत इसलिए घर में आते हैं हमको जगाने के लिए आते हैं। कहते जीव जागो गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाच बोले, हमें जगाने के लिए आते हैं। बोले उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरान निबोधत, उठो जगो और जग करके क्या करो भगवान का नाम लो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए हमें जगाने के लिए आते हैं। बोले आज तो हमारा गृह पवित्र हो गया, आज हमारे घर में संत आए। और श्री नंद बाबा स्वयं बोल पड़े, बोले जब आप कृपा करके घर में आए हो मेरे लाला का नामकरण करवा दो।
गर्गाचार्य बोले देखो मैं तो कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारे ऊपर एक विपत्ति आ पड़ी। बोले किस चीज की? बोले अभी तक तुम्हारी लाला ने दो तीन दैत्य को मार चुका है, अभी कंस का मन में ये शंका आ गई जो आकाशवाणी हुई थी देवकी के अष्टव गर्भ का संतान मेरा काल बनेगा, हो ना हो ये देवकी का तो बेटा नहीं, इतना छोटा बच्चा दो तीन दैत्य को मार कैसे दिया? मैं तो तुम्हारी पुरोहित तो है ही नहीं, मैं तो श्री गर्गा मैं श्री वसुदेव का पुरोहित, अगर कंस को पता चलेगा मैंने मथुरा में से गोकुल आया और तुम्हारा लाला का नामकरण करवा दिया, फिर कंसों को एकदम विश्वास हो जाएगा ये किसका लाला है, ये श्री वसुदेव का लाला है। इतने में श्री नंद बाबा बोले एक काम करियो, छुपा करके जहां पर गैया बंधे हुई है उसको बीच में मेरे लाला का नामकरण करवा दो। बोले हाँ वो करवा सकता हूँ। फिर श्री मैया जसोदा माता रोहिणी कृष्ण बलराम को लेकर के आते हैं, पहले बड़े भैया का नामकरण किया, बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रामयान सुहृद गुणई। बोले हे रोहिणी ये जो तुम्हारी बेटा है ये रामयान सुहृद गुणई, ये सबके सबको ये आनंद देने वाला होगा इसलिए इनका नाम होगा राम। बोले बला धिक्याद बलम विदु, इसका अंदर में बहुत बल होगा। बोले किस चीज की बल? बोले भक्ति की बल, क्योंकि श्री बलदेव प्रभु ये गुरु तत्व है, इनकी कृपा के बगैर कोई भगवान के भजन में प्रवेश नहीं कर सकते, ये मूल गुरु है, ये हर जीव को भक्ति की इन्होंने बल प्रदान करेंगे इसलिए इनका नाम होगा बल राम इनका नाम होगा। इसका एक नाम संकर्षण भी होगा क्योंकि ये पहले आए देवकी गर्भ में और जोग माया ने इनको आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन किया इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। अभी नामकरण करेंगे छोटे भैया से कृष्ण की। जब श्री गर्गाचार्य जी ध्यान लगाए ये बालक कौन है, इनकी पूरा ही ध्यान लग गई, आंख नहीं खुल रही थी। बोले क्यों? उन्होंने आंख बंद करके देखा ये जो बालक है ये साधारण कोई नहीं, बल्कि जिनकी शरीर से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड सृष्टि होता है, जिनकी अनंत नाम कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंत, ये जगत में जितना नाम है सबका नाम कुछ उनका ही नाम है। इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक सुंदर भजन उन्होंने बोले है, बोल हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीवा, बोल हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीवा, विभावरी से सब आलोक प्रवेश निद्रा चरी उठ जीवा, विभावरी से सब आलोक प्रवेश निद्रा चरी उठ जीवा, बोल हरि हरि मुकुंद मुरारि राम कृष्ण हर ग्रीवा, बोल हरि हरि मुकुंद मुरारि राम कृष्ण हर ग्रीवा, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर हरि, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर हरि,
वो सोच रहे हैं भैया इनका तो अनंत नाम है, अभी नाम दूं तो कौन सा नाम उसको दे। वो बड़े सोच में पड़े गए, देखा विश्व ब्रह्मांड में जितने नाम सब इनका ही नाम है। दुर्गाचार्य जी भी हाथ पकड़ करके, नंद बाबा उनको हाथ पकड़ कर हिलाए, बोले बाबा आँख खोलो बताओ मेरे लाला का नाम क्या होगा। दुर्गाचार्य जी बोले बोले आसन वर्णास्त्र गृह्णात अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गत। बोले हे गर्गा, हे नंद बाबा, तुम्हारा ये जो लाला है ये हर अवतार में हर युग में ये आता है। ये सत्य युग में इसने हंस अवतार रूप में शुक्ल वर्ण धारण करके आया था। तुम्हारा ये लैला जब तृतीया युग में ये रक्त वर्ण रूप में आया था यज्ञ का समय पर, जब कलियुग आएगा तुम्हारा ये बेटा ये श्री सचिनंदन गौर हरि होकर के गौरवर्ण रूप लेकर के श्री नवद्वीप धाम में ये जन्म लेकर के संपूर्ण विश्व में भगवान की वाणी को, भगवान की भक्ति को संपूर्ण विश्व में उन्होंने कृष्ण भक्ति की प्रचार करेगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मर नाम। एक दिन ऐसा आएगा पृथ्वी गली गलियों में शहर शहर में भगवान का नाम गूंज उठेगा, सबके सब लोग प्रसन्न होकर के बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लेकिन अभी वो जो भगवान कृष्ण ताम गत ये कृष्ण वर्ण लेकर के आया, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण नाम होगा। कृष्ण का अनंत नाम है लेकिन जो कृष्ण नाम ये सबसे सुंदर है। बोले कृष्ण नाम क्यों पड़ा? बोले क्री मतलब होता है आकर्षण करना। हमारा मन बड़ा चंचल है, अगर आप क्री बोलोगे ना ये मन को भटकने नहीं देगा, इसको आकर्षण करके स्ना मतलब सबको जो आनंद प्रदान करेगा। और कृष्ण मतलब होता है काला भी, बोले कोलतार जैसे नहीं, भगवान का रंग को उदाहरण दिया जैसे दुर्बादल जैसे मेघ का रंग जैसे है, हाँ घना मेघ जैसे। आप बहुत सारे रंग मिलाओ देखना अलग अलग रंग दिखेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी काला रंग मिला दो देखना सारे रंग को अपना लेता है। मतलब जब तक कृष्ण भक्ति में नहीं आए ना तब तक तो इधर उधर भटकता है, लेकिन जब कोई जीव कृष्ण रंग में रंग जाए फिर चढ़े ना दूजे रंग, उसको पर फिर कोई रंग नहीं चढ़ता है। और कृष्ण मतलब होता है सुंदर, हाँ इसलिए उन्होंने बोले इदानी कृष्ण ताम गत, अभी वो कृष्ण रूप में आया है इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले बहुनी संति नवानी सुत सजत बात्मज। बोले हे नंद बाबा, तुम्हारा ये जो बेटा है ना
बहुनी संति नवानी, इसकी बहुत सारे नाम होएगा और बहुत सारे रूप होएगा, बहुत सारे गुण होएगा और इसकी ये हर युग में कभी सत्य युग में आकर के उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने रक्षा की थी जब अकाल पड़ा, ये हर युग युग में ये आता रहता है। जब उन्होंने बहुत बहुत कुछ बात बता रहे थे, वहां पर मैया जसोदा बैठी, मैया जसोदा सोच रही थी ज्योतिष कोई काम की बात नहीं बता रहे, बेकार बेकार बात बोल जा रहे, इसका बहुत नाम होएगा बहुत रूप, अरे इसमें हमें क्या मतलब है। हाँ, हर माता क्या सोचती है घर में, हर माता ये सोचती है मेरा बेटा जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए और घर में बहू आ जाए, घर में शादी होकर घर में बहू आ जाए, क्योंकि जब तक घर में बहू नहीं आती ना तो माताओं को घर का सारे काम काज करना पड़ता है, जब घर में बहू आ जाए फिर घर का सारे दायित्व, ये बहुत सारे दायित्व को संभाल लेती है, फिर तो सास बैठ करके उसको आराम मिलती है। इसलिए ये सोच रही थी, अरे ये तो बताओ बेटा का शादी कैसे होगी, घर में बहू कैसे आएगी, ये बात बताओ। देखो मैया तो बड़ी भोली वाली थी, बड़ी भोली वाली, वो तो बोल रही थी बहुनी संति नामानी, तुम्हारी बेटा का बहुत सारे रूप नाम गुण होएगा, लेकिन मैया अपना मन मन में अर्थ लगा रही थी, बोले बहुनी संति, वो सोच रही थी शायद मेरे लाला की बहुत सारी बहू होगी। बोले अच्छी बात है, पहले पहले राजा लोग बहुत शादी करते थे, हाँ बहुत शादी करते थे, बोले जितने बहू आएगी उतना सास की तो सेवाई करेगी, अच्छी बात, कोई चिंता नहीं, घर में किसी चीज की कमी नहीं, इसलिए और बड़ी बहू लोग बड़ी सेवा करेगी। वृंदावन में जब कृष्ण थे मूल कौन थी, बोले राधा रानी, फिर उनका 8 सखियाँ थी, ललिता विशाखा चंपकलता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा रंग देवी सुदेवी, फिर उनका 8 मंजरी, फिर कृष्ण जब रास करते हैं फिर सब करोड़ों गोपियों को लेकर प्रभु रास की, फिर जब कृष्ण द्वारका गए उनका कितना बटरानी थी, कितना थी बटरानी, कितना थी 16,000 इसलिए बहुनी संति, बोले तेरे लाला की बहुत सारी बहू होगी, बोले रूप में कोई गोरी होगी कोई काली होगी कोई सवर्ण वर्ण की, बोले चिंता नहीं बहू होनी चाहिए, और जो कालिंदी वो थी काली, जो यमुना वो थी काली है, इसलिए बोले बहू जरूरत काला हो नहीं तो गोरी हो कोई बात नहीं, लेकिन बहू होनी चाहिए। मैया तो बड़ी खुश हो गई, बोले ज्योतिष अभी काम की बात होता है, बड़े प्रसन्न होकर के ज्योतिषी को मुंह मांगी उन्होंने दक्षिणा दी और कन्या को लेकर उनका चरण में लेटा दी, बोले लाला को आशीर्वाद करो। गर्गाचार्य तो डर गए, बोले क्यों, बोले इनको पता कृष्ण कौन है, ये भगवान है, हैं ये भगवान, बोले भगवान को मेरे चरण में लेटा रहे और मैं भगवान को आशीर्वाद दूंगा, तो डर गए लेकिन ऊपर ऊपर से आशीर्वाद दिए और बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने वहां से चले गए। क्यों, आज भगवान का उन्होंने नामकरण किया है। जब ज्योतिष चले गए गांव के जितने बड़े बुढ़िया सब इकट्ठी हो गई, बोले ज्योतिष ने लाला का नाम क्या रखो है, बोले बड़ा बेटा का नाम बलराम और छोटा बेटा का नाम कृष्ण, बोले नाम तो बड़ा मीठो नाम है लेकिन कृष्ण नाम देखो, अब कृष्ण बोलो जब तक जीवा 3 बार पलट नहीं जाए ना कृष्ण नाम ही नहीं उच्चारण होता है, इसलिए कृष्ण जैसे टेढ़े हैं उनका नाम भी बड़ा टेढ़ा है, इसलिए बोले तो टेढ़ी तेरी टेढ़ी नजरिया, इसलिए भजन आता है कृष्ण का, सब चीज ही टेढ़ा टेढ़ा है, कृष्ण का सारी चीज ही टेढ़ा ही टेढ़ा है कृष्ण का, इसलिए बोले नाम तो बड़े अच्छे है लेकिन ये नाम थोड़ा टेढ़ा नाम है, देखो ये नाम तो इनकी पत्रिका का नाम रहेगा लेकिन हम घर का नाम रख लेते हैं, बोले बलदेव प्रभु का नाम किया, बोले बलुआ, बोले कृष्ण का नाम, बोले कनुआ, बोले इनका घर का नाम है हम कनुआ और बलुआ नाम रख लेते हैं, बोले श्री कनुआ बलुआ की जय, जय श्री राधे। अभी कृष्ण जब एक दिन कृष्ण सोच रहे हैं जो कोई ब्रज में आए ना तो बोले 2 चीज की प्रार्थना करते हैं, इसलिए श्री रसखान कहते हैं, बोले रमण रेती लेट नहीं कियो ना जमुना पार,
बोले ब्रज में जाकर के दो काम करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? बोले रमण रेती में जाकर के लोट वोट खाने बननी चाहिए, क्योंकि जो रमण रेती है वो साधारण धूल नहीं, जिस धूल के लिए स्वयं ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। बोले तद भूरि भाग्यम इह जन्मम किम अटप्याम जत गोकुलापी कथमांगरी रजो विषकम। ये ब्रह्मा कह रहे हैं, जब ब्रह्मा ग्वाल वाल को चोरी की उनको पता चला, ये भगवान, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी क्या चाहते हो, क्या ब्रज में कोई ग्वाल वाल बनना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, मैंने इतने पुण्य कर्म नहीं किया ब्रज में कोई ग्वाल वाल बन जाए, देखो ब्रज की कितने महिमा। बोले फिर ब्रज में कोई पशु पक्षी बनना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, हम ब्रज में पशु पक्षी बनने का लायक भी नहीं। बोले ब्रज में कोई पेड़ पौधा बनना चाहते? बोले नहीं नहीं नहीं, हमने इतने सौभाग्य नहीं किया ब्रज में कोई पेड़ पौधा भी बन जाऊं। बोले फिर, बोले ब्रज का बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं वो जब घर में प्रवेश करते हैं, जिस पत्थर को ऊपर में अपना प्यार को रगड़ते हैं, अगर हम वो पत्थर बन जाए, अगर हमारा ऊपर में उसका चरणों को रगड़ना, अगर उनका अगर चरण धूल बन जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ब्रह्मा ये चीज को चाहते हैं। बोले उद्धव जी भी ब्रज में आए और उन्होंने जब उन्होंने ब्रजवासियों को प्रेम को देखा, फिर ब्रज गोपियों को प्रेम को देखा, फिर से राधा रानी की प्रेम को देखा, उसी समय उद्धव जी कहते हैं क्या मेरा ऐसे सौभाग्य होगा श्री ब्रज वृंदावन में गुल्म लता और औषध वृक्ष में मेरा जन्म होगी। हैं, कहते घास अगर बनेंगे तो गोपियां जब चल करके जाएगी उनकी चरण धूल मिलेगी, अगर लता बनेंगे तो जब कुंजो कुंजे में कृष्ण लीला करेंगे उसका दर्शन मिलेगा, अगर औषधि वृक्ष बन जाएंगे तो कभी गोपियां बुखार हो तो तबीयत खराब हो तो कभी दवा लेंगे, फिर उनका हृदय में मैं चला जाऊंगा। इसलिए कृष्ण एक दिन सोच रहे हैं भैया ब्रज में जो आए वो एक ही चीज चाहते हैं, ब्रज धूली धूल हमें चाहिए, फिर ये ब्रज धूल में है क्या महत्व? इसलिए कहते ना राधे मेरे चरण, भजन गा लो, भजन सुन लो, राधे तेरे चरणों की क्षमा, तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए, सच कहता मेरी, सच बदल जाए, राधे तेरे चरणों की है कैसे तेरा भजन।
हाथ उठाकर राधे नाम की धुनी लगाएंगे सभी लोग।
सखाओं के साथ में खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट में पहुंचे और भगवान एक डला मिट्टी उठा कर ठाकुर जी खा लिए। सखाओं ने कहा कन्हैया मिट्टी मत खाया कर, पेट खराब हो जाएगा। लेकिन कृष्ण किसकी बात ही नहीं सुन रहे थे, मिट्टी खाते जा रहे थे खाते जा रहे थे। सखाओं ने जाकर के मैया से चुगली कर दी, बोले मैया तेरे लाला आज मिट्टी खा रहा है। बोले अभी तक मक्खन चोरी चोरी करे खाता था, मिट्टी खाने लग गया। मैया तो लठिया लेकर के आई और सीधा कान को पकड़े, बोले अपवित्र। देखो जिनका नाम लेने पर जी पवित्र हो जाते हैं, मैया कहते तू अपवित्र, तुमने आज मिट्टी खाई। कृष्ण तो एकदम सफेद झूठ बोल दिए, बोले मैया हमने मिट्टी नहीं खाई। बोले ये सखा जो लोग जो बोल रहे हैं, बोले मैया तू बड़ी भोली भाली हो, ये सखाने की बात में जल्दी आ जाती। मैया आज कहा भयो तेरे को पतो है? बोले कहा भयो है। बोले सखा लोग अपना अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिठाई चोरी चोरी करके लाते, और हमें कहते तू खाया कर। मैया तेरे को पतो है मैं कभी चोरी का चीज खाता नहीं। बोले मैया बोले अच्छे तरह से बता तू क्या करता नहीं करता। बोले जब मैंने नहीं खाया वो समझ गए कृष्ण जा करके हमारे घर में चुगली कर देगा मैयाओं से, और मैं चुगली करने से पहले मेरे नाम पर चुगली कर दी, और तुमने इनकी बात जल्दी सुन गई। लेकिन दाऊ कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बोले दाऊ तू सच सच बताओ कृष्ण मिट्टी खाएगी नहीं? बस दाऊ भैया भी गवाह दे दिए। बोले मैया हमने अपना आंखों से देखा कृष्ण को मिट्टी खाते हुए, अभी कृष्ण कहाँ जाएंगे? कृष्ण बोले मैया दाऊ है ना ऊपर से तो लगते हैं गोरे लेकिन अंदर में बड़े काले हैं। लेकिन मैं ऊपर तक काला हूँ लेकिन अंदर से बड़े गोरो हूँ मैया। बोले मतलब क्या? बोले बलदेव प्रभु ऊपर से गोरे हैं लेकिन अंदर में काले। मतलब आप वृंदावन में जाओ कहीं भी बलदेव प्रभु को गोरे नहीं देखोगे, काले काले देखोगे। बोले क्यों? वो कृष्ण चिंतन करते 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 बलदेव प्रभु काले हो गए, वो अंदर में कृष्ण को चिंतन करते हैं। बोले मैं ऊपर में तो काला हूँ लेकिन अंदर में से गोरो, मतलब मैं हर समय से राधा रानी का चिंतन करता हूँ, इसलिए कृष्ण कहते मैं ऊपर में तो काला हूँ लेकिन अंदर से गोरो हूँ। क्योंकि राधा तो आत्मिका तस्य, कहते कृष्ण का आत्मा कौन है? बोले श्री राधा रानी कृष्ण की, ये आत्मा श्री राधा रानी। इतने में कृष्ण अपना झूठ को छुपाने के लिए इतने कसम खाने लग गए। बोले मैया मैं सूरज को हाथ उठा कर कह सकता हूँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, यमुना में खड़े होकर के कह सकता हूँ, गैया को पर हाथ रख करके कह सकता हूँ, दाऊ भैया का सर को पर हाथ रख कर कसम खा कर कह सकता हूँ। बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। लेकिन हर माताओं को, हर बच्चों का करतूत तो हर माताओं को पता रहता है। मैया को पता ये कन्हैया बड़ा नटखट है, बड़ा दुष्ट है। कृष्ण ने कहा मैया अगर मैंने मिट्टी खाई तो मुंह से खाई? बोले हाँ। बोले मेरे मुंह खोल कर देख ले। कृष्ण ये सोच रहे थे अगर मैया को ये बात बता दूं ना मैया विश्वास कर जाएगी। लेकिन मैया को तो पता कन्हैया बड़ा दुष्ट है। मैया ने एक धमकी लगाई, बोले मैं तेरे मुंह देखना चाहता हूँ, मुंह खोल। धमकी लगाई तो इतने में कृष्ण का मुंह खुल गया, और सचमुच से कृष्ण का मुंह में मिट्टी लगा हुआ था, और एक हाथ में डंडा और एक हाथ में कान पकड़ कर रखी। इतने में
कृष्ण की जो इच्छा शक्ति जोग माया भगवान की सारे लीला को यही करने वाली है। उसने देखा कृष्ण को मुंह में मिट्टी लगा हुआ, अगर मैया देख लिया ना डंडा हाथ में, एक डंडा नीचे नहीं पीठ गोड़ पड़ेगा। अगर मैं रहते रहती कृष्ण अगर पीट गए अरे मेरी तो बदनामी हो जाएगी। इतने में इतना छोटा सा मुंह में कृष्ण अनंत गुड विश्व ब्रह्मांड को दिखाया, कितने ब्रह्मा कितने शंकर कितने नदी चंद्र सूर्य ग्रह तारा नक्षत्र। मैया जसोदा खुद को अंदर में देख रही थी कृष्ण के इतना छोटे से मुंह में। मैया तो डर गई, मैं क्या देख रही हूँ, मेरे लाला के ऊपर कोई भूत तो नहीं लग गया। फिर मैया की ये भावना आ गया, ब्रह्मांड किसके मुंह में, भगवान के मुंह में होता है, हो ना हो मेरे लाला तो भगवान नहीं। जब इतना मैया की मन में आ गई मेरे लाला भगवान, कृष्ण डर गए। बोले अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ फिर मैया क्या करेगी, जैसे घर में सालग्राम के लिए छोटा सा मंदिर बना कर रखी और थोड़ी सी लड्डू नहीं तो थोड़ी बातासा भोग लगा देती है और घंटा हिलाते हुए बोले तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें वह बंधो सखा तुम्हें वह, जैसे मैया स्तुति करके फिर वो दरवाजा को बंद कर देती है। फिर मेरे लिए भी छोटा सा मंदिर बनाएगी, अगर उनको पता चलेगा मैं भगवान हूँ फिर वो मंदिर में मेरे को बंद कर देगी, थोड़ी सी बातासा नहीं तो थोड़ी मिठाई भोग लगा करके फिर मैं सखाओं को साथ में जो लीला करता हूँ वो लीला बंद हो जाएगी। इतने में कृष्ण तो डर गए, डरते ही इनकी जो इच्छा शक्ति जोग माया थी फिर कृष्ण का मुंह से सारे विश्व ब्रह्मांड को अंतर ध्यान कर दी। फिर मैया जसोदा आंख बंद कर ली थी, खोल करके देखती है ना वही छोटा सा मुंह और कुछ नहीं वहां पर। फिर मैया ने बोले मेरे लाला के ऊपर कोई भूत तो नहीं लग गया, बोले गैया के पूछ से झाड़ा लगवाया करती है, राय नून को मंत्र पढ़ा करके कन्या के ऊपर में छिड़काव करती है, लाला के ऊपर कोई भूत नहीं लग गया है। देखो यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग कहते हैं, आप लोग बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं, आप लोग बताओ मिट्टी खाए थे ना, फिर यहाँ पर कृष्ण झूठ क्यों बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई। दुनिया ये कहेगा कृष्ण मिट्टी खा लिए, मैया ने पूछा तो मना कर दी मैंने मिट्टी नहीं खाई। क्या कृष्णा झूठ बोले तो कोई दोष नहीं, अगर हम झूठ बोले हमारी दोष ही दोष है, दुनिया यही कहेगा ना। लेकिन हमारे श्री वल्लभाचार्य एक बहुत बड़े संत हुए वो कहते हैं भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि भागवत का प्रथम श्लोक में बताया बोले सत्यं परम धीमहि, हम परम सत्य भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। और कृष्ण जब मैया की पेट में आई 33 करोड़ देवता एक साथ में बोल रहे थे बोले सत्यं व्रत सत्य परम त्रि सत्य सत्य स सत्य निहितं च सत्य, ये 33 करोड़ देवता कह रहे थे कृष्ण कौन है, ये परम सत्य है, इनका धाम सत्य, इनका भक्त सत्य, ये सनातन कृष्ण है जिसको ब्रह्मा कहते हैं। बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम जन्मित्र परमानंदं पूर्ण ब्रह्म सनातन। बोले कृष्ण कौन है, बोले ये पूर्ण ये ब्रह्म है ये सनातन है। बोले ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद, जिनकी चरण को ब्रह्मा शंकर नारद लक्ष्मी जिनकी चरण को वंदना करते हैं। फिर भगवान ये झूठ कैसे बोलेंगे, इसलिए वल्लभाचार्य कहते झूठ नहीं बोले। बोले झूठ कैसे नहीं बोले, अभी तो मिट्टी खा करके मना कर दी। देखो यहाँ उन्होंने दो कारण बताए कृष्ण कैसे झूठ नहीं बोले। बोले खाना किसको कहते हैं, हमसे कोई चीज जब अलग होता है जब उठा कर खाते हैं उसको खाना कहते हैं। इसलिए कृष्ण जब विराट रूप को दिखाया बोले मैया तू कह रहे हो मिट्टी मैंने खाई, बोले हाँ, बोले मिट्टी कब खाया, ये विश्व ब्रह्मांड तो मेरे मुंह में, मेरे से कोई अलग चीज हो तभी तो मैं खाऊं, ये दुनिया तो मेरे मुंह में तब मेरे खाया क्या। उन्होंने ये एक कारण बताया। दूसरा कारण बताए एक संस्कृत का विचार है, बोले ना अहम वहां पर ना अहम भक्सी तो बार हुआ, मतलब है माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। जब ये ना अहम शब्द को अलग करते हैं बताए ना अहम, ना मतलब नहीं, अहम मतलब मैं नहीं मिट्टी खाई,
ये एक अर्थ होता है, लेकिन ये शब्द को जब अलग नहीं करके एक ही शब्द होता है नाहम। ये नाहम का एक अर्थ होता है ब्रह्मांड। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, बोले मैया तू मिट्टी की क्या बात कह रही हो, ये विश्व ब्रह्मांड को मैंने दिखाया, तेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, ले देख ले। इसलिए कृष्ण मुंह फाड़ कर दिखाया तो मैया ने देखा विश्व ब्रह्मांड को दिखाया। इसलिए बल्लभाचार्य कहते भगवान कभी मिट्टी, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान जो बोलते हैं सत्य ही बोलते हैं। कल भगवान मिट्टी क्यों खाए, कारण किया, बोले भगवान इसलिए मिट्टी खाए। भगवान मैया को बोले मैया तू ये सोच रही हो मिट्टी मैंने अकेले खाया, बोले नहीं मैया तेरे को विश्वास नहीं हो रही है, ये ब्रज रज की इतने महिमा हम सुन रहे थे ना, जिसको ब्रह्मा भी प्रार्थना करते हैं मेरे को ये ब्रज का धूल मिल जाए। जब श्री उद्धव जी आए उन्होंने एक ही चीज प्रार्थना की, क्या मेरा ये सौभाग्य होगा ब्रज में गुलमलता घास बन करके जन्म हो, क्यों, बोले ब्रज का धूल हमें मिल जाए। रस खान भी यही बात बताए, जमुना रेती लेट नहीं क्यों ना जमुना पान है, जब तक तुम जमुना की धूल में तुम लोट बोट नहीं खाओगे, जब तक जमुना पानी को आचमन नहीं लोगे, फिर ये ब्रज का क्या महिमा तुम समझोगे। इसलिए जो कोई ब्रज में आए देखना सबके सब एक चीज की प्रार्थना करते हैं, राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए। इसलिए श्री हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, बोले अनाराध राधा पदा भोज रेणु, मतलब है अगर तुम कृष्ण भक्ति रस में डूबना चाहते हो, जब तक सी ब्रज का धूल किया, बोले राधा रानी के चरण धूल है। इसलिए कहते हैं ना रसखान, किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहा, के सब की केली कुंज कोटी कोटी काशी है, गोपिनी के द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम ले करेंगे क्या, जानते नहीं है कि हमसे वृंदावन वासी है। इसलिए वृंदावन का धूल धूल नहीं, देखो हमें जो तिलक लगाए ना ये क्या है, आज हम बाद में कथा सुनाएंगे हम तिलक क्यों धारण करते हैं, ये तिलक ये वृंदावन का धूल है। उद्धव जी ये ब्रजरज को लेकर द्वारका में गए, भगवान कृष्ण वहां पर स्नान किए। द्वारका कोई गए हो, कौन कौन द्वारका गए हाथ उठाओ, तुम कौन कौन द्वारका गए थे, कौन कौन, 1 2 3 4 5 हाँ। इसलिए कभी आप द्वारका जाओगे ना वहां पर गोपी तालाब है, ये श्री नारद जी ये ब्रज धूल को लेकर गए, कहाँ पर लेकर गए थे, द्वारका में, वहीं पर कृष्ण स्नान किए और वहां पर गोपी तालाब अभी है, वहीं से ये धूल आता है, हमें जो तिलक लगाते हैं वो वहीं से ये धूल है। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कहते मैया तू ये सोच रही हो तेरी ये ब्रज रज को मैं अकेले खाया, नहीं मैया ये विश्व ब्रह्मांड ब्रज रज के लिए तरसते हैं, मैंने ये जो धूल है ना ये विश्व ब्रह्मांड को दिया, तेरे को विश्वास नहीं हो रहे, देख ले मेरे मुंह फाड़ करके मैंने जो धूल खाया किसको किसको दिया, ये विश्व ब्रह्मांड धन्य हो गए ये ब्रज रज को पा करके। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री नंद के लाला की। कृष्ण जब और धीरे 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 कृष्ण बड़े हो रहे, एक दिन मैया जसोदा कन्हैया को गोद में लेटा कर रखी थी और उनको थपथप लगा करके मैया जसोदा कन्हैया को रोली सुना रही थी, जैसे माताएं बच्चों को कभी कभी रोली सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, मैया जसोदा भगवान राम की कथा सुना रही थी। बोले कन्हैया एक दशरथ नाम के एक राजा थे, कृष्ण भी सो रहे थे, बोले हूँ, बोले घर में तो सारे सुख था लेकिन घर में कोई संतान नहीं था, इसलिए दशरथ महाराज बड़े दुखी थे, बोले हूँ, बोले उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए, यज्ञ से चरु निकला और उन्हें चरु को तीनों रानी को बांध करके दे दिए, बोले हूँ, बोले उपयुक्त समय होने पर भगवान स्वयं चतुर्व्यूह रूप में भगवान इस जगत में अवतीर्ण हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, बोले हूँ, बोले जब ये चार बालकों ने बड़े हुए एक दिन घर में श्री विश्वामित्र जी आए और उन्होंने दशरथ महाराज से राम लक्ष्मण को लेकर गए
बोले श्री विश्वामित्र बोले मैं जब यज्ञ करता हूँ और ये दैत्य लोग यज्ञ करने नहीं देते, यज्ञ में मूत्र और विष्ठा को विसर्जन करते हुए ये यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, हम चाहते हैं तुम्हारी दोनों बालकों को लेकर के जाए और ये यज्ञ को पूरी करे। तो उनमें से राम लक्ष्मण को लेकर गए और जाते समय प्रभु ने बीच में से ताड़का को मारे, बोले हूँ। बोले जब और थोड़ी आगे गए गौतम का अभिशाप से ये अहल्या पाषाणी बन गई थी, भगवान ने अपना चरण का स्पर्श लगा करके उन्होंने अहल्या को भी उन्होंने उधार की, बोले हूँ। बल थोड़ी और दूर गए तो उन्होंने पहुंचे कहाँ पर, बक्सर में, बिहार में, जहाँ पर हमारे जो बड़े गुरुजी जहाँ पर जन्म हुए हैं, भगवान राम लक्ष्मण सीता हैं, राम लक्ष्मण को लेकर के वहीं पर गए और राम लक्ष्मण का सहारा से विश्वामित्र जी वहाँ पर सुंदर रूप में यज्ञ उन्होंने की और वहाँ पर राक्षस लोग आए तो भगवान राम सबको मार गिराए, बोले हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा राम तुमने तो एक यज्ञ को पूरी की है लेकिन और भी एक यज्ञ मिथिलापुरी में हो रही है, वो यज्ञ को तुम्हें ही पूरी करना पड़ेगा, बोले हूँ। बोले जब श्री राम लक्ष्मण को लेकर के श्री विश्वामित्र जी जनकपुरी में पहुंचे, जनक महाराज पहले बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, वो भगवान को मानते थे, भगवान तो निराकार निर्विशेष, उनका रूप नहीं गुण नहीं लीला नहीं, वो तो निराकार निर्विशेष है। लेकिन जब श्री जनक महाराज ने राम और लक्ष्मण को दर्शन किया, गोस्वामी जी कहते हैं बोले इन्हें बिलो कत अति हर सीता, इन्हें बिलो कत अति हर सीता, इन्हें बिलो कत अति हर सीता, बरबस ब्रह्म सुखाई मन त्यागा, परबस ब्रह्म सुखाई मन त्यागा, इन्हें बिलो कत अति हर सीता, इन्हें बिलो कत अति हर सीता। कहते श्री जनक महाराज जी जब श्री राम लक्ष्मण को दर्शन किया, दर्शन करते ही वो जो भगवान को निराकार निर्विशेष ब्रह्म मानते थे, लेकिन जब उन्हें केवल भगवान राम को दर्शन करते ही अपने आप उनका मन में जो ब्रह्म आनंद था वो अपने आप ब्रह्म आनंद कहाँ चला गया। अगर श्री जनक महाराज समझ गए कि जो राम है ना ये ब्रह्म नहीं है, बोले राम कौन है, बोले रामचंद्र श्री परम ब्रह्म है, क्योंकि अभी तक तो मैं ब्रह्म को ध्यान करता था लेकिन इसको दर्शन करते ही ये ब्रह्म सु कहाँ चला गया और मेरा मन प्राण चित्त तो इन्हीं में ही अटक गया। इसलिए श्री जनक महाराज जी समझ गए ये परम ब्रह्म राम है। इसलिए जनक महाराज ने उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वहां पर था कि शिव धनुष, जिस धनुष को 400 व्यक्ति एक जगह से उठा करके दूसरे जगह ले जाते थे। एक दिन उन्होंने देखा माता सीता जी गेंद खेल रही थी बचपन में और गेंद कैसे धनुष को नीचे फंस गया और सीता छोटी बच्ची थी और एक हाथ से उन्होंने धनुष को पकड़कर ऊपर कर दी और उसको नीचे से गेंद को डाल दी। जनक महाराज देख करके बोले क्या, जिस धनुष को 400 व्यक्ति उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाए और मेरी लाली इतने छोटी सी और एक हाथ से धनुष उठा दिया, इसका पति भी ऐसे होने चाहिए ना। वो समझ गए मेरी बेटी कोई साधारण नहीं, ये साक्षात लक्ष्मी है, ये माँ लक्ष्मी स्वयं लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी का पति कौन होगा, नारायण तो हो सकते हैं ना, पति का लक्ष्मी का पति तो नारायण हो सकते हैं, इसलिए ये धनुष को और कोई नहीं उठा सकते हैं, अगर जो नारायण होगा ना वही उठा सकता है। अगर वो अगर धनुष को उठा दिया तो मैं क्या समझूंगा, मैं समझूंगा यही मेरी बेटी की यही उपयुक्त पति है। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी ये धनुष को उठा करके जो प्रत्यंचा चढ़ा दे
उसको साथ में मेरी बेटी जानकी की शादी होएगी। जब श्री राम लक्ष्मण श्री जनक महाराज श्री विश्वामित्र जी को साथ में आए, श्री जनक महाराज जी उनको बड़ा सुंदर वाटिका में उनको स्थान दिए। विश्वामित्र जी उपयुक्त समय को देख करके राम लक्ष्मण को बोले, जाओ मैं ठाकुर जी की पूजा करना चाहता हूँ, तुम लोग पुष्प चयन करके लाओ। जिस समय भगवान राम वाटिका को अंदर में प्रवेश किया, सारे वृक्ष एकदम एकदम हरा भरा हो गया। क्यों? भगवान आए हैं और वो फूल को तोड़ नहीं रहे थे, फूल इनको हाथों में अपनी आप ये फूल समर्पित तो हो रहे थे। और कौन सा फूल तोड़ रहे थे प्रभु जी? जो खिले हुए फूल को तोड़ रहे थे। इतने में जो अधखिले कलियां थी वो रो रहे थे। लक्ष्मण पीछे 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 लक्ष्मण जा रहे थे। इतने में लक्ष्मण ने कहा, भैया तुम रो रहे हैं क्यों? बोले, रोएंगे नहीं क्या, हंसेंगे? देखो भगवान राम कितने सौभाग्य से यहाँ पर आए, लेकिन वो केवल खिले हुए फूल को ही तोड़ रहे हैं। आज हम तो अधखिले हैं, हम लोगों को ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण बोले, भैया चिंता क्यों कर रहे हो, मैं पीछे हूं ना, मैं तुमको राम की सेवा में लगाऊंगा। लक्ष्मण ने जो अधखिले जो कलियां थी लक्ष्मण उसको तोड़ना शुरू की। बोले, प्रभु आज मेरे मन में इच्छा है आपको ये निकुंज में बैठा करके अपना हाथों से आपको मैं श्रृंगार करना चाहता हूँ। बोले, कोई बात नहीं। लक्ष्मण ने जो अधखिले कलियों को बड़ा सुंदर उन्होंने गुच्छा बनाए और प्रभु की चोटी में बड़ा सुंदर श्रृंगार कर दिया। देखो हमारे टीकाकर बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहते हैं। बोले, खिले हुए फूल कहाँ पर? बोले, प्रभु का हाथों में। बोले, ये अधखिले कलिया कहाँ पर? बोले, प्रभु के चोटी में, सेवा में। बोले, इसका मतलब क्या? कहती, ये लक्ष्मण कौन? बोले, गुरु जी। अगर कोई जीव अगर गुरु जी की शरण में चले जाए, अगर तो अधखिले कली क्यों नहीं हो? अधखिले मतलब भले ही तुम्हारे अंदर में कोई भी योग्यता नहीं, लेकिन अगर तुम श्री गुरु जी की शरण में चले गए ना, गुरु जी क्या करेंगे, तुम्हें ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे। लेकिन खिले हुए फूल सेवा में नहीं, और अधखिले फूल अभी ठाकुर जी की सेवा में लग गए। अभी श्री जनक महाराज राम लक्ष्मण को लेकर गए कहां पर? श्री जनक महाराज का जो दरबार लगा हुआ था वहां पर गए। वहां पर बड़े बड़े राजा लोग आए थे, कभी यहां तक भी रावण भी वहां पर आया था। उसने कोशिश की धनुष को उठाने के लिए, लेकिन रावण किसी तरह से अपना हाथ बना अंदर में तो फंसाया, लेकिन वो धनुष इतना वजन था, हाथ को तो अंदर में फंसा दिया लेकिन वो हाथ को निकाल नहीं सका, इतना वजन था। फिर लोग आकर के धनुष को किसी तरह से उठाया और रावण ने हाथ को निकाला। बड़े बड़े वीर वहां पर कोशिश कर रहे थे धनुष को उठाने के लिए, लेकिन कोई भी टस से मस तक नहीं कर पाए। कहते, दुनिया में यही होता है, जो उठा पाएगा वो तो चुपचाप बैठा हुआ, और जो उठा नहीं पाएगा ना वही कोशिश करते उठाने के लिए। लेकिन जनक महाराज को पता है, ये अगर ये धनुष को कोई उठा सकता है, केवल एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ, कौन है? श्री राम है। क्यों? ये राम का प्रति इनका विश्वास क्यों हुआ था? बोले, इसलिए हुआ था जब श्री भगवान राम आए, कहते ना, इन्हें बिलोकत अति हरसिता बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। क्योंकि इनको दर्शन करते ही वो जो ब्रह्म को चिंतन कर रहे थे, वो ब्रह्म सुख अपने आप खत्म हो गया और प्रभु राम का चरण में इनका मन लग गया। इसलिए वो समझ गए थे ये परम ब्रह्म, ये ब्रह्म नहीं, ये परम ब्रह्म है, श्री भगवान रामचंद्र है, यही केवल ये धनुष को उठा सकता है। लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? पहले जो झंडा होता है ना, वो डंडे के ऊपर में झंडा होता है, पहले डंडा उठेगा फिर तो झंडा उठेगा। कहते यहां पर डंडा स्वरूप कौन है? बोले, श्री डंडा स्वरूप श्री लक्ष्मण है। बोले, झंडा स्वरूप कौन है? बोले, प्रभु राम है। हैं? प्रभु राम है। पहले लक्ष्मण उठेगा, उसके बाद में श्री राम उठेंगे। इसलिए जनक महाराज सोच रहे हैं किसी तरह से श्री लक्ष्मण को खड़े कर दूं, फिर तो श्री राम उठ सकते हैं। श्री जनक महाराज जी खड़े होकर के थोड़ी सी उन्होंने ताना मार दी,
बोले लगता है ये जो पृथ्वी है ये वीर शून्य हो गया है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी सीता जिस धनुष को एक हाथ से उठा ली और यहाँ पर इतने बड़े बड़े राजा इसको कोई टस से मस भी नहीं कर सके, लगता है ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया। जब उन्होंने इतनी सी बात बताई ना, वहां पर श्री लक्ष्मण बैठे हुए थे। बोले लक्ष्मण कौन है? बोले ये अनंत नाग श्री लक्ष्मण जी, अनंत देव है। तब गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, एक सर्प होता है जिसका नाम कहते मणिधर सर्प, जिस सर्प के सर पर मणि रहता है, अगर वो मणि को कोई छेड़ देना फिर ये सर्प उसको छोड़ेगा नहीं, खा जाएगा। बोले ये मणिधर सर्प कौन? बोले लक्ष्मण लाल अनंत देव। बोले इसमें मणि स्वरूप कौन है? बोले भगवान राम है। अगर कोई राम को थोड़ी सी कोई छेड़ दे फिर तो ये लक्ष्मण जो शेष आए लक्ष्मण ये छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब उन्होंने इतनी सी बात बता दी ये पृथ्वी वीर सुन्न हो गया, इतने में लक्ष्मण को तो इतना क्रोध आया, लक्ष्मण तो तमतमात हुए, लक्ष्मण ही खड़े हो गए। बोले महाराज जनक चुप बैठो, इतना बड़ी बात, ये पृथ्वी वीर सुन्न हो गया, आपको पता नहीं यहाँ कौन बैठे हुए है? मेरे प्रभु स्वयं भगवान राम बैठे हुए है। हम तो बचपन में खेलते खेलते ऐसे कितने धनुष को हमने है, कितने धनुष को तोड़ दिया। आप ये साधारण धनुष की बात क्या करते हो, ये तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को मैं तो एक कच्चा घड़ा का भांति में उठा सकता हूँ, क्योंकि अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड कहाँ पर रहता है? बल्कि अनंत देव का सर के ऊपर में सरसों जैसे धारण किया रखे, इसलिए ये लक्ष्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जब श्री लक्ष्मण जी को क्रोध आया, इतने में प्रभु राम बोले लक्ष्मण चुप बैठ, यहाँ गुरु जी बैठे हुए दिख नहीं रहे, गुरु जी बैठे हुए, अरे गुरु जी को आदेश लेने तो दो। हाँ मेरे को पता तू स्वयं धरणी धर है, ये अनंत देव है, विश्व ब्रह्मांड को जो अपना सर के ऊपर में सरिसो जैसे तुम धारण किया तुम कर सकते हो, अगर ये धनुष को तू तोड़ोगे फिर मेरी क्या होगी बताओ? क्योंकि माता सीता जब पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने गई थी गौरी पूजा के लिए, राम भी गए थे पुष्प चयन करने के लिए, वो वाटिका में राम लक्ष्मण दोनों दोनों को दर्शन किए। भगवान राम अभी तक किसी भी स्त्रियों का मुखों कभी दर्शन नहीं किए, इसलिए प्रभु राम जब चलते थे अपना सर को नीचा करके वो चला करते थे, कभी किसी स्त्री को कभी प्रभु राम देखे नहीं, क्यों? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन जब उन्होंने पहला बार माता सीता जी को देखे, दोनों का नयन में दोनों का नयन मिला, दोनों दोनों को पहचान गए, ये मेरे प्रभु है और ये मेरी दासी है, दोनों दोनों को पहचान गए। जब भगवान राम वापस आए लक्ष्मण को कहते थे लक्ष्मण रघु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन ना जाए, हमने कभी सर उठा करके कभी पराई स्त्रियों की कभी मैंने देखा ही नहीं, लेकिन आज जब मैंने पहला बार ये सीते को देखा पता नहीं मेरे मन में खिलबिल मच रहा है, मेरा मन चंचल हो गया। इससे लगता है कि जो सीता है ना ये तेरी भाभी बनने वाली है, ये प्रभु राम पहला बार बोले, ये सीता और कोई नहीं, क्योंकि किसी दूसरे स्त्री को देख करके मेरा मन कभी चंचल नहीं हो सकता है, है? चंचल नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान राम ने कहा लक्ष्मण अगर तुमने ये धनुष को तोड़ दिया बताओ मेरे क्या होगा, इसलिए चुप बैठ जा, अभी गुरु जी को आदेश देने दो, अभी उपयुक्त समय को देख करके श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को आदेश दिए, राम का आदेश दिए। बोले बेटा राम जाओ, बेटा ये जनक महाराज का हृदय में जो ताप है ये ताप को तुम दूर करो। अभी गुरु जी की आदेश पा करके भगवान राम धीरे 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 आगे चल रहे हैं और सामने माता जानकी खड़ी हुई अपना सहेलियों के साथ में बरमाला लेकर के। लेकिन जब भगवान राम धीरे 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 चल रहे थे ना, मैया जानकी प्राण छोड़ने जा रही थी। बोले क्यों? वो प्राण क्यों त्याग करने जा रही थी, वो सोच रही थी क्या ये राम ये धनुष को उठा पाएंगे। बोले इसकी मन में शंका क्यों हो गई? बोले कारण है जब भगवान राम सवेरे सवेरे
वो गए थे पुष्प चयन करने के लिए, वो सवेर का समय था, वो पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, पुष्प स्वयं इनको हाथों में समर्पित हो रहा था। पुष्प सवेर का समय था, मीठी मीठी हवा बह रही थी, लेकिन उसी समय में भी सीता राम का शरीर से पसीना बह रहा था, शरीर से पसीना बह रहा था, मतलब भगवान राम इतने कोमल अंग भगवान राम की। इसलिए सीता सोच रही थी जिस धनुष को 400 व्यक्ति उठाते हैं, क्या राम इतने कोमल शरीर, उम्र कितने 10-11 साल के प्रभु अभी है, बोले इतने बड़े धनुष क्या उठा पाएंगे, अगर राम ये धनुष को उठा नहीं पाएंगे फिर मेरी क्या होएगी। इसलिए सीता तो उसी पर वहीं पर अपना प्राण त्याग करने के लिए मैया सीता जा रही थी। अभी राम ने सीता जी के मन की भावना को समझ गए, बोले का बरसा जब कृषि सुखाई, अरे धनुष तो इसलिए मैं तोड़ने जा रहा हूँ सीता के लिए, अगर धनुष तोड़ने से पहले अगर ये सीता प्राण त्याग कर दी फिर धनुष उठाकर लाभ दिया है। अभी उन्होंने सीता जी की मन की भावना को समझते हुए प्रभु राम जल्दी 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 प्रभु राम आगे चले, जा करके पता नहीं कब उन्होंने धनुष को पकड़े, और उन्हें जब धनुष को उठा करके उन्होंने प्रत्यन जगह चढ़ाने के लिए गए, इतने में धनुष दो टुकड़े हो गए, और इतनी जोर से आवाज हुई, इतने जोर से जरा दुनिया में टहलका मच गया, यहाँ तक भी परशुराम भी महेंद्र पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे, वहां सभी को यहाँ पर आ गए थे। जब भगवान राम ने ये धनुष को तोड़ डाले, इतने में जनक महाराज श्री सुनैना को कह रहे हैं, बोले सुनैना जाओ जल्दी जल्दी सीता को लेकर के आओ। अभी सुनैना अभी मैया सीता को लेकर के आ रही है, भजन लगेंगे, हाँ एक भजन है, कैसे माता सीता धीरे 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 भगवान राम को गले में वरमाला डालने के लिए कैसे धीरे धीरे आ रही है। सियावर राम चंद्र की जय, जय श्री राधे, श्री रघुवर कोमल कमल नयन गो मेहरा जय श्री।